है डीटीवी भारत। 12 जुलाई को बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के मद्देनजर चिड़ियाघर और इको पार्क बंद रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर विधानमंडल क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के आगमन से पहले यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पीएम के आगमन और प्रस्थान के समय एयरपोर्ट पर रहेगा नो फ्लाइंग जोन और विधानमंडल परिसर में सुरक्षा पास, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। तो प्रधानमंत्री 12 तारीख को पहुंच रहे हैं, 12 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां पर कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक, विधानमंडल परिसर तक सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर वो पहुंच रहे हैं पटना और इसको लेकर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर बंद रहेगा और साथ ही साथ इको पार्क भी बंद रखा गया है 12 जुलाई को। और आइए जरा देखते हैं कुछ राजनीतिक खबर। बिहार में एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। राजस्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं, जहां पर मंत्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं वहां विभाग चलाने से क्या फायदा। दरअसल मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब विभाग चलाना बेवकूफी है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि ट्रांसफर रोकने से उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता दरबार भी नहीं करूंगा, क्योंकि जब जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जनता दरबार का क्या फायदा। तबादले को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश को सर्वोपरि बताया, साथ ही कहा कि सभी काम को रोकना सीएम का विशेषाधिकार भी है। समय वाले लोगों के तबादला, भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों के तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं। मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH में हंगामा है और हंगामा हुआ है और महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डॉक्टर मनमानी के कारण मरीज की मौत का आरोप लगा रहे हैं। एसपी को बुलाने की मांग पर डटे हुए हैं मृतक के परिजन। न्याय नहीं मिला तो नक्सली बन जाऊंगा, मृतक का जो पति है उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और पूरी तरह से लापरवाही का आरोप इन लोगों ने लगाया है। डॉक्टर की मनमानी के कारण मरीज की मौत हुई है, ये मृतक के परिजनों का आरोप है और वो सभी अड़े हुए हैं कि एसपी को तत्काल यहां बुलाया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग इनकी अब भी बनी हुई है। और इसको लेकर हालांकि अभी तक एसपी पहुंचे नहीं हैं और मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। और इस वक्त हमारे साथ भागलपुर से हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या एसपी साहब पहुंचे?